एक हवन करते हैं आप यज्ञ। हाँ, शादी ब्याह में कथा वथा में सब्जेक्ट हवन होता है, स्वाहा स्वाहा बोलते हैं ना। इसमें छह शर्तें हैं, आप एक का भी पालन नहीं करते। नंबर एक, किस जगह हवन हो, कहीं भी नहीं, ऐसा नहीं है। किस समय हवन हो, वो भी मुहूर्त से हो। और जो मंत्र हो, वेद मंत्र में स्वर होते हैं, उदात्त अनुदात स्वरित, जैसे गायत्री मंत्र आप लोग जपते होंगे बहुत से लोग, ये वेद मंत्र है, इसमें स्वर है। तत् सो विधुर्वरेण्यम, ऐसे स्वर बोलना चाहिए, नहीं तो यजमान का नाश हो जाएगा। अगर एक स्वर गलत हो गया तो मंत्र का अर्थ उल्टा हो जाएगा। वृत्रासुर राक्षस ने यज्ञ कराया कि हमसे इंद्र मरे, और मंत्र था इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, और ऋषियों को पकड़ के ले आया हो जबरदस्ती, करो यज्ञ। ऋषियों ने कहा, अरे हमारा देवता है इंद्र, और हम यज्ञ करें कि वो मरे, लेकिन न करेंगे तो ये मार डालेगा, राक्षस है। सबने आपस में मीटिंग किया है, एक स्वर को आद्युदात्त को अंतोदात्त कर दो सब लोग मिलके, ये तो अक्षर सुनेगा बस, इंद्र शत्रुर इंद्र शत्रुर, शब्द वही बोल रहे हैं। और एक आद्युदात्त का अर्थ हो गया कि इंद्र का शत्रु बढ़े, और अंत्योदात्त का अर्थ हो गया इंद्र बढ़े, अक्षर वही है। यज्ञ हुआ, भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा तुम लोगों ने जो मांगा हमने दिया। मुस्कुरा के भगवान बोले, राक्षस खुश हो गया कि इंद्र मरेगा हमसे और हम स्वर्ग के राजा बनेंगे। अब जब मरने लगा, इंद्र ने वज्र फेंका, और जब मरने लगा तो उन्होंने कहा, महाराज हम भी आपके संतान है, आपने वर दिया था कि जो मांगा है यज्ञ में दिया, और हमको मरवा रहे आप। भगवान ने कहा, अरे गधे, तेरे मंत्र का अर्थ यही था। अरे तो ये तो ऋषियों ने गलती की, तो तेरे तो पुरोहित है, तू जिम्मेदार है। देखो, एक स्वर की गलती से और उल्टा हो गया, वृत्रासुर मारा गया। इतने कड़े नियम हैं कर्म धर्म में, और अगर कोई पालन भी कर ले तो ध्यान दो, पाप नष्ट हो जाएगा जिस पाप के लिए आप ये कर रहे हैं, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जैसे किसी को सजा हो गई चोरी में 2 साल, अब 2 साल वो जेल में है, और वहीं बैठे बैठे प्लान बना रहा है, जब मैं निकलूंगा तो अमुक सेठ के यहां ऐसे ऐसे करके ऐसे करेंगे, और चोर चोर आपस में मीटिंग करके प्लान बना लिए, तुम कब निकल रहे हो, अच्छा देखो फिर हम दोनों मिलेंगे वहां, तो फिर ऐसा करेंगे, वैसा होगा वैसा होगा। यानी मन नहीं शुद्ध हुआ, वो पाप धुल गया,
जो चोरी मैंने की थी 2 साल सजा भोग लिया, अब हमको कोई चोर न कहे क्योंकि हम 2 साल सजा भोग जाए, लेकिन आगे हम चोरी करेंगे क्योंकि मन तो अभी गड़बड़ है। तो ऐसे ही अगर किसी ने एक गाय की हत्या की तो उसका प्रायश्चित लिखा है शास्त्र में, वो कर दिया तो पाप तो धुल गया वो, लेकिन वो फिर गो हत्या करेगा, फिर पाप करेगा, फिर झूठ बोलेगा। तो मन की शुद्धि के लिए भगवान की भक्ति ही करनी पड़ेगी, कोई मार्ग नहीं। राधे